मैं जुलेखा अरफात जुलेखा किचन से, आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे, पास्ता। मैं ये पास्ता ना बहुत टाइम पहले बनाई थी और बहुत मेरे घर में हिट हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ आज आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। वैसे इसका नाम है मायो पास्ता। अच्छा, अब मैं ये वाली जो रेसिपी है ना, आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, डेफिनेटली। सो बच्चे पास्ता तो बहुत शौक से खाते हैं, तो आप टिफिन में भी दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर ना मैं पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप्स ना शिमला मिर्ची के कर रही हूँ। ये आधी शिमला मिर्च है, आप चाहे तो तीन टाइप की शिमला मिर्च ले सकते हैं, या फिर मैं तो ग्रीन ही डाल रही हूँ। सो आप चाहे तो एक लें, आप चाहे तो तीन लें। मैं इसे क्विकली काट लेती हूँ। और ये है ना, मैंने कॉर्न्स बॉईल करने रखे हैं मीठे वाले, फास्ट आंच पर 4-5 मिनट तक बॉईल होंगे, तो मैं इसे बंद कर दूंगी। हाँ, इतने ज्यादा नहीं चाहेंगे, मैं थोड़े ही निकालूंगी और बाकी के मैं शाम के लिए कुछ चटपटा सा कॉर्न का बना दूंगी मैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अभी आगे की रेसिपी। एक कढ़ाई में पानी डालिए, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए और चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। ये देखिए, मैंने कॉर्न बॉईल करके साइड पर रख दिए हैं। अब इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। उबाल आने के लिए मैं ढक्कन ढक कर रख देती हूँ। ये देखिए, चलिए उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर 2 कप ये पास्ता डाल देती हूँ। आप कोई भी शेप के डालिए, और इससे छोटे भी रहे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे साइज में। मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आप कोई भी शेप या साइज के डाल सकते हैं। हल्का सा मैंने तेल स्टार्ट में नहीं डाला था, तो मैं 1-2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। मिक्स कीजिए और इसे पकने दीजिए। आपने तब तक पकाना है जब तक हल्के से अल्डेंट हो, मतलब हल्का सा कुक होना बाकी रहे। ये देखिए, टूट रहे हैं बीच में से, हाँ 2 टुकड़े हो रहे हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे क्विकली चूल्हा बंद करके नितार लेती हूँ और क्विकली ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देती हूँ, सो दैट वो आगे जो पकने वाला प्रोसेस है ये गर्म के अंदर, वो बंद हो जाए इसका। और इसे अभी आप साइड पर रख दीजिए। सेम वही कढ़ाई के अंदर चूल्हा चालू कर दीजिए, थोड़ा सा तेल डालिए और 1-1.5 टेबल स्पून जितना मक्खन, मैं तो मस्का कहती हूँ, मस्का डाल रही हूँ। और इसके अंदर 2-3 कली लहसुन की बारीक काट कर डाल दीजिए, उसे आधे मिनट तक फ्राई करें। आधा मिनट हो जाए तो प्याज डाल दीजिए, अगर मीडियम साइज की हो तो आधी डालिएगा। मेरे पास बहुत छोटी सी एक प्याज थी, तो मैं उसे छूंदा प्याज करके डाल रही हूँ। और इसे भी फ्राई कीजिए, तब तक फ्राई करना है जब तक कच्ची पक्की ना हो जाए, तब तक। प्याज कच्ची पक्की हो जाए तो वो जो कॉर्न्स बॉईल करके रखे हैं उसे 3-4 टेबल स्पून जितने डाल दीजिए नितार कर, और ये जो शिमला मिर्च काट के रखी है वो डाल दीजिए। मैंने सारी नहीं डाली है, थोड़ी सी साइड पर रखी प्रेजेंटेशन के लिए। और इसे डालकर मिक्स कीजिए, चूल्हा मीडियम आंच पर ही है, आधा मिनट फ्राई कीजिए। हल्की कच्ची पक्की टाइप चाहिए हमें ये सब्जी। इसमें डाल दीजिए 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 चाय का चम्मच नमक, लेकिन स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स। ये सारी चीज़ें डालकर मिक्स कीजिए, मीडियम आंच ही रखिएगा। और इसमें डाल दीजिए 1/4 कप दूध, आप 1/4 कप से भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ मैं 1/4 कप चीज़ डाल रही हूँ खुरच कर, आप चीज़ का मात्रा भी ज़्यादा कर सकते हैं और दूध भी ज़्यादा डाल सकते हैं। चलिए ये डाल दीजिए, और मैंने चूल्हा हल्का सा, आप चाहें तो इस समय स्लो कर सकते हैं, और इसे मेल्ट होने दीजिए चीज़ को। और हल्की मेल्ट हो जाए तो वो जो आपने पास्ता साइड पर रखा है उसे डाल दीजिए और कंटिन्यूस मिक्स करते जाइए। ये देखिए, जब मिक्स हो जाए और आपको लगे कि ये मेल्ट हो चुकी है, तो चूल्हा कर दीजिए बंद। और साइड पर मैंने यहाँ 1 कप मायोनीज निकाल के रखी है, वो सारी डाल दीजिए इसके अंदर और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए तो अब हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप इसे एज ए सैलड भी सर्व कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये हो जाए तो रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद सर्व कीजिएगा एज ए सैलड।
थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन भी कर रही हूँ तो खूबसूरत भी लगना चाहिए, और थोड़ा सा ये कॉर्न्स भी डाल देती हूँ तो ग्रीन येलो लगेगा तो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब लास्टली इससे थोड़ा सा चीज खुरच के ऊपर डाल रही हूँ। अच्छा, अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा ना ये डाल सकते हैं मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ा सा चुटकी भर प्रेजेंटेशन के लिए, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स बस प्रेजेंटेशन के लिए, दैट्स ऑल। चलिए ये बन चुकी है और हो गई तैयार मेरी। मैं काली मिर्च नहीं डाल रही हूँ बिकॉज ज्यादा स्पाइसी बच्चे लोगों को ना लगे। एक पॉइंट शेयर करनी थी, काली मिर्चों का पाउडर मैंने आधा छोटे चाय का चम्मच डाला है, लेकिन आपको कम डालना है तो आप 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं, और एकदम छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो चुटकी भर डालिएगा या स्किप कर दीजिएगा। उसी हिसाब से आप ये जो चिली फ्लेक्स है, मैंने आधा छोटे चाय का चम्मच डाला है, आप 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं या फिर चुटकी भर डालिएगा, या अपने स्वाद अनुसार दोनों को एडजस्ट कीजिएगा। हाँ चलिए बन चुका है, तो मैं सोचती हूँ अजान को ही खिला के दिखा दूँ कि कैसा लगता है बच्चों की डिश है। बच्चे खा के ज्यादा बेहतर बताएंगे। चलिए मुझे आप खा के बताइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसा है? बोला जोर से, बोलो ना कुछ कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा, ओके चलो मैं भी खा के देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है, आप बनाएंगे तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।